हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं रीजनिंग के, ठीक है। वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ सोल्यूशन देखेंगे और जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं एसएससी रेलवे के लिए, जिन टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को सबसे पहले आप खुद ट्राई करिए, वीडियो पॉज करिए, खुद से लॉजिक लगाने की कोशिश करिए। अगर लग जाता तो भी ठीक है, और नहीं लगता तो मैं तो सॉल्व करा ही रहा हूँ। तो सबसे पहले खुद ट्राई करिए, ठीक है। जितना आप खुद ट्राई करेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे देखिए, 21 का संबंध जिस प्रकार 3 से है, उसी प्रकार 574 का संबंध किस से होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे कि 2 और 1 3, ठीक है, 2 में 1 जोड़ दिया 3 हो गया। लेकिन अब यहाँ पर आप जोड़िए 5 प्लस 7 प्लस 4 करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 5 12 4 16, 16 ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये लॉजिक तो फेल हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 में किससे गुणा करेंगे, 7 से गुणे 7 करेंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक्स है तो एक्स में कितना, 7 से गुणा कर देंगे, तो 7x बराबर कितना होना चाहिए, 574। अब एक्स इज इक्वल टू 574 में 7 से भाग दे देंगे, या फिर सेकेंड आप ट्राई कर सकते हैं कि 7 से हम किस में गुणा करेंगे कि यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। अब 7 से 3 में गुणा करेंगे तो 21 यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, गलत है। 7 से 3 में गुणा करेंगे तो ये भी 1 आ रहा है, यहाँ पे 9 आएगा। तो वैसे ही ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे डिवाइड करके देख लीजिए, यहाँ पर 7 8 56, 1 बचेगा और 7 2 14, सीधा 82 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ ताकि आपके एग्जाम में जो है आपको परेशानी ना हो। भीम काय का संबंध जिस प्रकार 52 से है, उसी प्रकार प्रतिभाशाली का संबंध किससे होगा। तो जो भीम काय होता है, बहुत बड़ा शरीर का जो होता है, उसे भीम काय कहते हैं, ठीक है। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्ञानी जो होता है उसके लिए प्रतिभाशाली वर्ड का यूज करते हैं। तो प्रतिभाशाली का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए ऑप्शन क्या क्या है, छोटा है, दुष्ट है, सज्जन है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रतिभाशाली का अपोजिट होगा मूर्ख, और भीम काय का यहाँ में अपोजिट दिया गया है 52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, रेट का संबंध जिस प्रकार EATR से है, उसी प्रकार सीट का संबंध किससे होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख के पहले देखते हैं, ठीक है, आप खुद से ट्राई करिए, मैं तो सॉल्व करा ही रहा हूँ। RATE रेट को क्या लिख दे रहा है, ये EATR, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहले स्थान पे R है तो यहाँ पे चौथे स्थान पे भेज दिए, पहले स्थान पे E है तो चौथे स्थान पे E को भेज दे रहा है, यहाँ पे चौथे स्थान पे E है तो यहाँ पे पहले स्थान पे ला दे रहा है, एक बार फिर समझिए, ठीक है, RATE, ठीक है। रेट को क्या लिखा रहा है, EATR, तो जो पहले स्थान पे है उसको चौथे स्थान पे, और जो चौथे स्थान पे है उसको पहले स्थान पे लिख दे रहा है, ठीक है। और जो बीच में दो अक्षर हैं इनको वैसे के वैसे छोड़ दे रहा है। तो अब अगर हम सीट का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टी चौथे स्थान पे तो ये पहले आ जाएगा, एस पहले स्थान पे तो ये चौथे पे हो जाएगा, ठीक है। बाकी ई ए को ऐसे ही लिख देंगे, ई ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, TEAS किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में आपका है TEAS, ठीक है। आर को देखिए, पहले पे चौथे पे कर दिया, यहाँ पे चौथे पे है तो पहले कर दिया, बाकी ए टी को ऐसे ही रहने दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये चौथे पे है तो ये पहले आ जाएगा, टी हो जाएगा, ये पहले है तो ये चौथे स्थान पे चला जाएगा, यहाँ आ गया, बाकी ई ए को ऐसे ही लिख देगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पुस्तक का संबंध जिस प्रकार साहित्य से है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए दो दो क्वेश्चन मार्क दे दिया है, किसका संबंध किससे है, गीत संगीत, मनुष्य जंगली, नर्तक संगीतकार, प्रजातियाँ और विज्ञान, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया, कंफ्यूज होंगे आप ऑप्शंस में, कंफ्यूज जरूर हो रहे होंगे, लेकिन आप देखिए पुस्तक क्या है, पुस्तक का संबंध साहित्य है, तो साहित्य क्या है, साहित्य एक प्रकार का पुस्तक है। और उसी प्रकार अगर हम बात करें तो संगीत जो है एक प्रकार का क्या है, गीत है। तो ए ऑप्शन आपका 100% करेक्ट होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संगीत का गीत। यहाँ पे देखिए, आकृति में त्रिभुज गिनना, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले इस पोर्शन को उठाते हैं, ठीक है,
अगर ऐसे कोई आपका बना के दे दे रहा है चतुर्भुज और इसको इस तरीके से कट कर दे रहा है, तो काउंट कर लेते हैं सिंपल कितने ट्रायंगल हैं। 1 2 3 4, ये तो आपको सीधे सीधे दिख गए। अब और ट्रायंगल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये, दो हो गया, ठीक है। अब देखिए, एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया, यानी कि इसमें आपको चार ट्रायंगल दिख रहे हैं, चार ट्रायंगल दिख रहे हैं, चार ये वाले छोटे वाले और चार बड़े वाले, ठीक है, टोटल हो गए 8। उसी प्रकार इसमें भी 8 होंगे, ठीक है। तो ये तो 16 आपको ट्रायंगल दिख गए। अब 16 जैसे ही आपका काउंटिंग पूरा होगा सीधे मार देंगे इसको, ठीक है, और एग्जामिनर करेगा ऐसे देगा -1/3, या फिर जो भी माइनस में आपका होगा वो माइनस उस पर चढ़ जाएगा। तो 16 तो आपने काउंट कर लिए, अब उसके बाद देखेंगे 16 के बाद कहाँ ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर हम बात करें, ये बड़ा सा ट्रायंगल देखें तो ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल देखें कहाँ बन रहा है आपका, तो दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है, ये दूसरा ट्रायंगल है। तो 16 हमने पहले गिने थे, 16 + 2 हो गया 18, 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 त्रिभुज इस फिगर में बने हुए हैं, ठीक है, तो सही जवाब आपका हो जाएगा 18। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए एक ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल, ठीक, यहाँ पे देखिए 3, ये 4 हो गए। अब 4 आपको यहाँ पे दिख गए, अब यहाँ पे देखिए ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 8 तो ऐसे दिख गए। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, और 5 6 7 8, तो 8 8 16। और हमने इसमें ये नहीं काउंट किया ये वाला, तो एक ये है बड़ा सा, एक ये है बड़ा सा, तो +2, यानी कि 18 आपका, इसमें 18 ट्रायंगल आपको बने हुए दिखाई दे रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम में देखने को मिली जाते हैं। दिए गए 4 शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो निम्नलिखित शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा शब्द है जो निम्नलिखित शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है? तो यहाँ पर दिया गया ट्रांसलेशन शब्द दिया गया है, इसमें आपका ट्रांजिट है, ट्रांसमिट है, रेशियो है और नेशन है। तो जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ट्रांजिट, ट्रांसमिट यहाँ पे आ रहा है, ट्रांसमिट यहाँ शब्द क्या है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में कहीं एम आपको बोलने में उच्चारण में आ रहा है, नहीं आ रहा, यानी कि यहाँ पे एम है और यहाँ पे इसमें कोई भी एम नहीं है, तो इसको तो हम डेफिनेटली नहीं बना पाएंगे, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जब एक ऑप्शन हमें मिल गया यानी कि सब इसे ही बना सकते हैं, तो कोशिश करेंगे कि जो शब्द दिया गया उसको एक बार हम मुँह से बोलेंगे तो पता चल जाएगा कौन कौन से शब्द इसमें आ रहे हैं, और जब ऑप्शन को बोलेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस ऑप्शन की किस अक्षर की कमी पड़ रही है। तो इस तरीके से जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, प्रश्न आकृतियाँ आपको दी गई हैं, ये पेपर फोल्डिंग और कटिंग का है। तो यहाँ पे देखेंगे एक सर्कल है, सर्कुलर जो है पेपर है, इसको पहले आधे पे मोड़ा जा रहा है, फिर चौथाई पे मोड़ा जा रहा है, उसके बाद इसमें 3 होल कटे कट किए जा रहे हैं, ठीक है, 3 होल कट किए जा रहे हैं। तो मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, तो अगर हम ओपन करेंगे तो ये 3 होल यहाँ भी दिखेंगे। अब इसको ऊपर अगर हम सीधा करेंगे तो यहाँ पे भी ऐसे 3 होल दिखेंगे और यहाँ भी 3 होल, यानी कि टोटल 12, 12 होल दिखने चाहिए। तो 12 होल किसमें किसमें हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। इसमें देखिए एक सीध में है, जबकि ये कैसे पेरीफेरी पे होना चाहिए, तो ये भी आपका नहीं होगा। ये देखिए अंदर दिया गया है, ये भी नहीं होगा, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पेरीफेरी पे 3 3 6 3 9 3 12 होल जो है बने हुए हैं, तो आपका बी ऑप्शन 100% करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा नए टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन सब पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। सभी खिलाड़ी गायक हैं और सभी निर्तक जो है गायक हैं, वक्तव्य यानी कि स्टेटमेंट दिया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे सभी खिलाड़ी क्या है, गायक हैं, मान लीजिए ये खिलाड़ी हैं और ये गायक है, सभी खिलाड़ी इन साइड जो है खिलाड़ी है और गायक हैं, ठीक है, सभी खिलाड़ी क्या है, गायक हैं और सभी नर्तक गायक हैं, तो इसके अंदर ये नर्तक भी आ गया।
सभी नर्तक गायक हैं। इसमें आप ध्यान देंगे कि खिलाड़ी और नर्तक में कोई भी संबंध नहीं दिया गया है, खिलाड़ी गायक में दिया गया और नर्तक गायक में दिया गया। तो हम अगर निष्कर्ष देखेंगे तो ये चीज़ हमें ध्यान में होना चाहिए कि किस में संबंध बताया गया है, किस में नहीं बताया गया है। तो इसमें देखें, कुछ गायक नर्तक हैं, तो ये गायक है और ये नर्तक है। जब सभी नर्तक क्या हैं, गायक हैं, तो कुछ गायक जो है नर्तक होंगे ही, तो स्टेटमेंट वन तो सही है। स्टेटमेंट टू जब हम चेक करेंगे तो कुछ नर्तक खिलाड़ी हैं, नर्तक और खिलाड़ी में कोई संबंध ही नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये खिलाड़ी है, ये नर्तक है, इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं दिखाया गया है, तो हम इसको नहीं कह सकते हैं कि कुछ नर्तक खिलाड़ी होंगे। ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो जब भी कि कन्फ्यूज़न होगा कि हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, तो उस स्टेटमेंट को हम रॉन्ग समझेंगे और ये समझेंगे कि वो फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन केवल फॉलो कर रहा है, केवल निष्कर्ष वन निकलता है। ठीक है, केवल पहला निष्कर्ष यहाँ से निकलता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे देखेंगे BKS, DJT, FIU, HHV। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क की जगह भी पूछा जा रहा है। BKS, DJT, FIU, HHV, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम यहाँ पे देखें, बी के बाद डी आ रहा है तो क्या किया जा रहा है, प्लस टू किया जा रहा है। डी के बाद एफ आ रहा है तो प्लस टू किया जा रहा है। एफ के बाद एच आ रहा है तो प्लस टू किया जा रहा है। तो एच के बाद फिर प्लस टू करेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, आई जे। ठीक है, जे आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर जे आपको मिल गया तो ऐसे ही ऑप्शन थर्ड मार देंगे, लेकिन अगर आप आगे चेक करना चाह रहे हैं थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। जब ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन मिल जाए तुरंत मार दो। अब आगे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए के है, यहाँ पे जे है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे एच है, यानी क्या हो रहा है, माइनस वन हो रहा है। के से माइनस वन करेंगे तो जे हो जाएगा, जे से माइनस वन करेंगे तो आई हो जाएगा, आई से माइनस वन करेंगे तो एच आ जाएगा, और एच से माइनस वन करेंगे तो जी आ जाएगा। ठीक है, तो जे जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एस दिया गया है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे टी हो गया, यहाँ पे यू हो गया, यहाँ पे वी हो गया, तो यहाँ पे अगले नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, तो डब्ल्यू आएगा। तो ये जे जी डब्ल्यू। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 5, 7, 11, 17 और 25, एक सीरीज दिया गया है, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा नंबर आने वाला है। 5, 7, 11, 17, 25 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम एडिशन और सबट्रैक्शन ही चेक करते हैं, तो एडिशन सबसे पहले चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस टू, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस फोर, यहाँ पे प्लस सिक्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस एट, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस टेन होगा। और जब प्लस टेन हम करेंगे तो ऑप्शन सी आपको दिख जाएगा, 35। 25 में 10 जोड़ेंगे, 25 10 कितना होता है, 35 होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 35। तो ये सारे क्वेश्चंस आज की वीडियो में आप लोगों के लिए थे, टोटल 10 क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।